चौधरी शुजात और परवेज इलाही खुद नैब में पेश हो गए। चौधरी बरादरान नैब को तफ्तीशी टीम को बयान भी रिकॉर्ड कराएंगे। तफसीलात क्या है रेहान गुल से जानते हैं। रेहान गुल तफसीलात बताए इस पेशे से मुतल्लिक। जी साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अब से कुछ देर कबल नैब में पेश हो गए हैं। नैब की जानिब से उन्हें आज 6 नवंबर को तलब किया गया था। दो केसेस का इल्जाम उन पर है। एक तो यह है कि उन्होंने गैर कानूनी और आमदन से जायद असासाजात बना रखे हैं और दूसरा उन पर गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम था। इसके साथ साथ आपको ये बता चलूं कि आज के दिन ही इसहाक डार के दोनों बेटों अली डार और हसनैन डार को भी तलब किया गया था, लेकिन वो दोनों आज नैब में पेश नहीं होंगे। चौधरी बरादरान पेश हुए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने अपने वकीलों से मुशावरत मुकम्मल कर ली थी और जराए का यह कहना है कि जिस वक्त चौधरी बरादरान नैब के दफ्तर आए हैं तो उनके पास वो तमाम तफसीलात एक फाइल की सूरत में मौजूद हैं, जिनके उनके तमाम अकाउंट्स की तफसीलात जितने उनके असासाजात हैं उनकी तफसीलात मौजूद हैं। नैब की 3 नुकरी तफ्तीशी टीम उनके बयानात रिकॉर्ड करेगी और इस वक्त वो अंदर मौजूद अपने बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। आपको यह भी बताया चलूं कि यह बात बड़ी अहम है कि 17 साल पुराने केसेस हैं जिनमें उनको आज पहले नोटिस पर तलब किया गया। बयान रिकॉर्ड कराने बहुत शुक्रिया रेहान गुलाब का।